सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात कर रहे हैं दैट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है क्या, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल काम क्या करता है, फंक्शन क्या है उसका. ठीक है, इफ एक्स वाई इज अ रियल वेरिएबल, अगर एक्स वाई मेरा रियल वेरिएबल है, मान लो एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 3 है, देन जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा हमारा 2 प्लस आई 3. ऑब्वियस ही बात है, ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, सबको पता है, है ना. इफ करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ जेड दैट इज एक्स प्लस आई वाई इन अ गिवन रीजन आर देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू, अगर 2 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, 3 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू, ठीक है, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ जेड. देन डब्ल्यू जो होगा हमारा फंक्शन ऑफ जेड होगा, क्योंकि इसके जेड के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू की वैल्यू जनरेट हो रही है. ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी. इसको लिख लेना, एक बार नोट्स बनाते रहना इस चैप्टर के अच्छे तरीके से. ठीक है, एनालिटिक फंक्शन. इफ अ सिंगल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड पोजेस अ यूनिक डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ अ रीजन आर देन एफ जेड इज एनालिटिक. ठीक है, अब हम कुछ और थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट इज कॉशी रीमैन इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं. कॉशी रीमैन इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, सो अब कॉशी रीमैन इक्वेशन. ठीक है, कॉशी रीमैन इक्वेशन, कॉशी रीमैन इक्वेशन, कॉशी रीमैन इक्वेशन क्या कहती है हमें, कहती है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसने बताई है हमें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसने बताई है. लिख लेते हैं थोड़ा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन w दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z टू बी एनालिटिक इन रीजन r, टू बी एनालिटिक इन रीजन आर. कह रहा है कि डब्ल्यू किस रीजन में एनालिटिक होगा, एनालिटिक फंक्शन डब्ल्यू कब होगा उसकी कंडीशन उसने हमें बताई है. कौशी भाई साहब कहते हैं, कौशी रीमैन भाई साहब कहते हैं कि अलग अलग है. ठीक है, ये दो कंडीशन हमें देता है, कहता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती देन माई डब्ल्यू इज एनालिटिक फंक्शन, देन माई डब्ल्यू इज एनालिटिक फंक्शन. सो पहली जो चीज है वो ये बोलता है कि यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स. ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन. u एंड v क्या है, z इक्वल टू यू प्लस आई वी. इधर से u का पहला डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x, यू वाई तो y, v का पहला x के रिस्पेक्ट में करोगे वी एक्स वी वाई. ठीक है, सेकेंड यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई एंड वी वाई आर कंटिन्यूस इन रीजन आर, आर कंटिन्यूस इन रीजन आर. ठीक है, ये जब है जब कार्टिशियन कर होगा, जब हमारा कार्टिशियन प्लेन होगा. अगर पोलर फॉर्म में हमें लिखनी आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा उसकी बात करते हैं. ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटे में लिख लेते हैं. तो अगर हमें पोलर फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं. सो इसकी जो कंडीशन थी उसको हम थोड़ा छोटे में लिख देते हैं, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स, है ना. ये बेसिकली मेन तो कंडीशन यही है जो हमें करनी है. ठीक है, एंड सेकेंड हमने क्या बोला था, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ऑल आर कंटिन्यूस इन नेचर, हमें प्रूफ करना है कंटिन्यूस इन नेचर इन रीजन आर प्रूफ करना है ना. अब हम बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी रीमैन इक्वेशन. ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी रीमैन इक्वेशन, ठीक है. सो इसमें देखो हम करेंगे, सो इसकी भी हमारे पास दो कंडीशन है. जैसे उधर हम यू एक्स एंड यू वाई निकाल रहे थे, इधर हम सबसे पहले पोलर फॉर्म क्या होगा,
ये हमें पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले पोलर फॉर्म क्या होगा, हमें ये पता होगा जब भी तो हम आगे करेंगे, ठीक है। पोलर वो जिसमें आर एंड थीटा आते हैं, पोलर वो जिसमें आर एंड थीटा आते हैं। बेसिकली इसमें जो होगा हमारा जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इस वे में होता है, ठीक है, इस वे में होगा, ठीक है। जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इस वे में हमारा क्वेश्चन दिया होगा, अगर देगा वो तो, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, या तो इस वे में दिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये तो कॉस थीटा रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी भी होगा इसमें, है ना। सो ये हो सकता है, ये हमारा z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई होप सबने ये पढ़ा होगा, ठीक है। r cos थीटा प्लस आई, इसमें ऐसे भी लिख लेते होते थे हम अगर पुरानी बात करें तो, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। सो ये भी लिख लेते होते थे, और एक और चीज लिख लेते r e i थीटा, ये i e i थीटा भी हमारा वही होता था बेसिकली, अगर देखे सब, आई होप इतना सब जानते थे, ठीक है। सो अगर इसका कंडीशन देखे, सो वो कंडीशन क्या आएगी वो देखते, वो कंडीशन होगी कर्ल यू बाय कर्ल आर इज इक्वल टू वन बाय आर कर्ल वी बाय कर्ल थीटा, ठीक है। सेकंड, कर्ल वी बाय कर्ल आर इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर कर्ल यू बाय कर्ल थीटा, ठीक है। ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये सेटिस्फाई है फिर हम एफ डैश ऑफ जेड भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये हमें आगे काम आएगा क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ एफ डैश जेड कैसे निकालते, ठीक है। ई माइनस ऑफ आई थीटा ब्रैकेट में कर्ल यू बाय कर्ल आर प्लस आई कर्ल वी बाय कर्ल आर प्लस आई कर्ल वी बाय कर्ल आर, ठीक है। आई होप इतना सबको याद रहेगा, क्योंकि आगे हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इतना तो याद रखना, कुछ और याद रहे या ना रहे। ऐसे अगर इधर एफ डैश जेड की बात करें तो क्या होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, ठीक है। इतना बस याद रखना, बाकी हम देख लेंगे खुद ही, ठीक है। सो अगली प्रेजेंटेशन में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, सिर्फ कॉशी रीमन के इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, ठीक है। सो इस प्रेजेंटेशन में इतने, अगली प्रेजेंटेशन में हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है।